जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हिना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर हिना प्रभु को था गिला विश्वनाथ ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघु नाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट जुग कहाँ कबीराज एक काल को था गिला गोरान टेराज पाषाण कोटी बो माथा अनाले पसीबो गुरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो से संगीरा संगे जे कहिलो बिलास से संग न पाइया कांदे नरोतम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभावतिथि महामहोत्सव की तो इस भजन के शब्द इस प्रकार हैं जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जो प्रेम धन लेकर के आए क्यों लेके आए करुणा प्रचुर प्रचुर करुणा के कारण हेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हेना प्रभु को था गेला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य ठाकुर कहाँ गए कहाँ मोरा स्वरूप रूप मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहाँ कहाँ रूप गोस्वामी कहाँ सनातन गोस्वामी कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं कहाँ मोरा भट्टजोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं, एक काले गोथा गेला गोरा नटराज, और अनायास कहाँ चले गए, कौन गोरा नटराज, नर्तकों के राजा गौर वर्ण के, पाषाणे कुटीबो माथा, अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, तो गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं, शेष अब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, जितने संगी थे गौरांग के उन्होंने भगवान गौरांग के साथ बिलास किया, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में सुनेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सबसे बड़ा जो योगदान है वो क्या है, हम सबसे पहले अपना जो मॉर्निंग प्रोग्राम सवेरे का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं उनके द्वारा लिखित गुरुवाष्टकम प्रार्थना से। तो हमारा जो दिन है वो शुरू होता है उनकी गुरुवाष्टकम प्रार्थना के कारण ही। गुरुवाष्टकम प्रार्थना में 8 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक के अंत में वो पंक्ति बार बार आती है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो 8 श्लोक तो उन्होंने लिखे हैं जो हम रोज गाते हैं, लेकिन एक श्लोक उन्होंने और लिखा है, नवा श्लोक, वो इसका महात्म्य है, गुरुवाष्टकम प्रार्थना का महात्म्य है। एतत् गुरुश्री अष्टकम इदम, एतत् गुरु, तो इसमें वो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रियतनाथ, एतत् गुरु अष्टकम ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रियतनाथ, जो प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मे मुहूर्त में पाठ करता है, उच्चय, उच्चय का मतलब है, हाँ, एतद् गुरुरष्टकम् एतद् उच्चैर, एतद् गुरुरष्टकम् एतद् उच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्। तो ब्राह्मे मुहूर्त में जो पाठ करे और ऊंचे स्वर में पाठ करे, यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवे में लभ्या जनो सोन्त एव, तो उसको वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त होगी जन्म सोन्त, यानी इस जीवन के अंत में। हरि बोल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मुंह से अगर कोई बात निकल जाए तो भगवान की चिंता होती है कि उनकी बात की वो रक्षा करें, अपने भक्त के वचन की रक्षा भगवान जो है इतनी करते हैं कि अपने वचन को भी जो है तोड़ दें, अपना वचन टूट जाए लेकिन भक्त का वचन नहीं टूटे, तो भगवान की चिंता है। तो अगर एक ही अगर कोई व्यक्ति नियम बना ले कि ब्राह्म मुहूर्त में उच्च स्वर में इस गुरुवाष्टकम का पाठ करना है ना, तो इतने से ही जो है उसकी रक्षा हो जाएगी। हरि बोल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है ना, तो ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:10 से 4:58-48 का होता है ना। तो कुछ भक्त लोग जो है 5 मंगल आरती शुरू करते हैं, तो 4:58 में ब्राह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है। तो फिर मेरा ये कहना है कि 4:50 भी आप शुरू करेंगे तो 8 में हो जाएगी पूरी गुरुवाष्टकम प्रार्थना। तो ब्राह्म मुहूर्त में कम से कम पाठ कर लो। तो 5 मंगल आरती शुरू करने के बजाय 4:50 मंगल आरती शुरू करो तो गुरुवाष्टकम जो है ब्राह्म मुहूर्त के अंदर तो हो जाए, है ना। और समाधि आरती वृंदावन में होती है, मायापुर में होती है, तो 4:10 होती है, तो 4:10 गाया जाता है ये गुरुवाष्टकम। तो 4:10 से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो 4:10 से लेकर के 4:58 के बीच में 48 के समय में गुरुवाष्टकम प्रार्थना गा लो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वचन के अनुसार इस जीवन के अंत में आप क्या प्राप्त करेंगे, वृंदावन नाथ साक्षात सेवा लभ्या, वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त हो। हरि बोल। तो हमारे भी आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आज उनका 13वां दिवस है और हमारे वैष्णव कलंडे में उनका आविर्भाव नहीं आता, अब जो भी हो अज्ञात है, आविर्भाव अज्ञात है।
तो साल में केवल एक दिन इनका हम स्मरण करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सन 1638 में इनका आविर्भाव हुआ, तिथि अज्ञात है, लेकिन वर्ष 1638 का है। ये नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में हैं। ये विवाहित थे लेकिन पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे। शीघ्र ही घर त्याग दिया, वृंदावन धाम में आ गए, राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण का भजन किया। तो इनके विषय में बहुत चर्चा है, हमारे पास समय तो बहुत कम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको स्वप्न में आदेश दिया, श्री कृष्ण ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को स्वप्न में आदेश दिया कि गोस्वामी ग्रंथों की टीकाएं लिखें, गोस्वामी ग्रंथों की टीकाएं लिखें, है ना। तो जब लिखने बैठते थे तो कहीं भी हो, धूप की कभी बाधा नहीं होगी, मेघ जो है उनका छत्र बन जाते थे कि धूप की कोई बाधा नहीं होगी, और अगर वर्षा भी होगी तो वर्षा जो है उस स्थान पर होगी नहीं जहाँ पर वो ग्रंथ लिख रहे हैं। इसलिए खुले मैदान में भी वो कार्य करते थे तो कोई बाधा नहीं होती है। तो एक बार भागवत की टीका लिख रहे थे, भागवत की टीका लिख रहे थे, उसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हो रही है ना, लेकिन इनकी जो है हस्तलिपि में एक बूंद पानी की नहीं गिरी। हरि बोल, है ना। तो काम गायत्री की व्याख्या जब लिख रहे थे, हम लोग सात प्रकार की गायत्री प्राप्त करते हैं ब्राह्मण दीक्षा में, सात प्रकार की, सातवीं जो गायत्री है वो काम गायत्री है, काम देवाय विद्महे, है ना। तो जब इसकी जब व्याख्या लिख रहे थे तो बड़ी बाधा हुई, बड़ा संशय हुआ है। तो इन्होंने तो अक्षरों की गणना की तो 25 अक्षर होते हैं, काम गायत्री 25 अक्षर होते हैं, है ना। लेकिन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितम में लिखा है कि इसमें 24.5 अक्षर है। अब 24.5 अक्षर कैसे, कहीं भी किसी भी मंत्र में किसी भी श्लोक में अक्षरों की संख्या जब गिनी जाती है आधे अक्षर को गिना नहीं जाता, तो कभी भी अक्षर जो है 24.5 अक्षर की बात तो कभी नहीं आती। लेकिन कृष्णदास कविराज इसमें लिख रहे हैं 24.5 अक्षर, बाकी किसी भी मंत्र में जैसे कृष्ण है, तो 2.5 अक्षर हैं, लेकिन 2 अक्षर माना जाता है, कृष्णेति वर्णद्वयी, 2 अक्षर का है ना। तो पूरे पूरे अक्षर गिने जाते हैं, आधा अक्षर गिना नहीं जाता, लेकिन कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं कि इसमें 24.5 अक्षर हैं। तो बहुत बड़ा जो है इनको संशय हो गया, है ना। तो फिर और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि काम गायत्री के 24.5 अक्षर, ये श्री कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा है, श्री कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा है, है ना। तो फिर स्वप्न में राधा रानी ने इनको समझाया, राधा रानी ने स्वप्न में समझाया कि खेद मत करो, कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वो मेरी मंजरी है, कृष्णदास कविराज मेरी मंजरी है। राधा रानी ने कहा कृष्णदास कविराज मेरी मंजरी है, कौन सी मंजरी है, कस्तूरी मंजरी। तो राधा रानी ने कहा कि कृष्णदास कविराज ने जो लिखा चैतन्य चरितम में गलत नहीं हो सकता है, वो मंजरी है मेरी। तो और काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है, तो मेरी कृपा के बिना इसका रहस्य कोई नहीं समझ सकता है। तो वर्णागम भास्वत नामक ग्रंथ में आदि अक्षर का निरूपण किया गया है, उसको देख करके कृष्णदास कविराज ने इसका जो है बताया है। तो इसमें क्या है कि अगर काम देवाय विद्महे, अगर या के बाद वी शब्द आए तो फिर वो या आधा माना जाता है, या तो पूरा है काम देवाय विद्महे तो या पूरा है और वी भी पूरा अक्षर है, लेकिन वो या अक्षर को आधा अक्षर माना जाएगा, और जितने आधे अक्षर हैं उनको नहीं गिना जाता, उनको गिना ही नहीं जाता, लेकिन ये पूरा अक्षर है उसको आधा माना जाएगा। या के बाद अगर वी आए काम देवाय विद्महे, है ना। तो काम देवाय विद्महे में ये जो या है आधा अक्षर है, और श्री कृष्ण के ललाट पर आता है, श्री कृष्ण का ललाट आधा चंद्रमा है, देखिए ऐसा है और ये ऐसा है, आधा हुआ ना, तो कृष्ण का ललाट जो है ये आधा अक्षर है। तो ये जो या अक्षर है आधा चंद्रमा ये कृष्ण के ललाट का है, पूर्ण चंद्रमा ये नक्ष चंद्र है ना, 5 चंद्रमा, 5 चंद्रमा हाथ के, 5 चंद्रमा पैर के, 5
20 ये हो गए, इस तरह से जो है आधा ये है और भी बाकी चार होंगे। तो इस प्रकार से पूरा चेहरा भी चंद्रमा, इस तरह से 24.5 चंद्रमा कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा है। 20 तो नाखून हो गए और एक चेहरा 21 हो गए और तीन और होंगे, अब आँख को नहीं कह सकते, जो भी हो, और ये आधा, तो इस तरह से जो है 24.5 चंद्रमा है ना। तो इस तरह से राधा रानी ने मतलब कहा कि मंत्र के जितने भी अक्षर हैं सब पूरे चंद्रमा है कृष्ण के शरीर में, और एक आधा चंद्रमा ये है। तो अब उस ग्रंथ का अध्ययन करो और परोपकार के लिए इस प्रमाण को संकलित करो। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो है ये विशेष योगदान है, और ब्रजलीला में विनोद वल्लरी मंजरी राधा रानी की सेवा में ये रथ है। क्या नाम है? मंजरी, विनोद वल्लरी मंजरी। क्या नाम? विनोद वल्लरी मंजरी है ना। और ये समाधि इनकी राधा गोकुलानंद मंदिर में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तुरभाव तिथि महामहोत्सव की जय। विष्णुप्रिया देवी का आज आविर्भाव दिवस है। शक्ति तत्व का तिरुभाव नहीं मनाया जाता, तो विष्णुप्रिया देवी का भी एक ही दिन आता है साल में जो हम उनको याद करते हैं। तो विष्णुप्रिया देवी के संबंध में बहुत बातें हैं, हमारे पास समय बहुत सीमित है, तो इनके बारे में कहा गया है कि ये सत्यभामा की अवतार हैं। कौन है? सत्यभामा श्री कृष्ण की 16108 पत्नियों में 8 जो है मुख्य पत्नियां हैं, प्रधान हैं, और उनमें से सत्यभामा ने अवतार लिया विष्णुप्रिया देवी के रूप में। सत्यभामा के जो पिता थे सत्राजित, तो वे सनातन मिश्र, विष्णुप्रिया के पिता सनातन मिश्र हैं। तो मिश्र परिवार जगन्नाथ मिश्र के पुत्र चैतन्य महाप्रभु, और विष्णुप्रिया देवी हैं सनातन मिश्र की पुत्री। तो मिश्र परिवार में विवाह हुआ है ना। समस्त गुणों से ओतप्रोत थी, और रूप उनका लक्ष्मी देवी को भी पराजित करता था। माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थीं और शास्त्रीय आदेशों का पालन करती थीं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करती थीं और 3 बार गंगा में स्नान करती थीं। विष्णुप्रिया का जब विवाह नहीं हुआ था निमाई पंडित से, तो उस समय विष्णुप्रिया गंगा तट पर जाती थीं तो सची माता से मिलती थीं। सची माता से मिलती, विनम्रता पूर्वक चरणों में प्रणाम करती थीं, और सची माता सोचती थीं कि सुंदरी विष्णुप्रिया मेरे पुत्र निमाई की आदर्श वधु होगी। जब विष्णुप्रिया प्रणाम करती थीं, विवाह तो नहीं हुआ था, सची माता इच्छा करने लगती थी कि मेरी जो है आदर्श पुत्र वधु होगी, इस प्रकार से सोचती थी है ना। और जब लक्ष्मी प्रिया का जब देहावसान हो गया, जो पहली पत्नी थी, तो फिर निमाई पंडित ने श्रीमती विष्णुप्रिया देवी से विवाह किया, और इनके विवाह का जो वर्णन है वो चैतन्य मंगल में और चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है। चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन, वो तो मैं कई बार सुना भी चुका हूँ, विष्णुप्रिया का विवाह है चैतन्य महाप्रभु के साथ में, और इस विवाह को संपन्न कराया था बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और बहुत धनी शिष्य थे, तो उन्होंने जो है अपने गुरु महाराज का विवाह है जो कराया, तो ये कहा था कि सब लोग देखें कि ये विवाह जो है कैसा विवाह होता है, राजा महाराजा की तरह विवाह होगा। तो राजा महाराजा की विवाह में कितने सैनिक लोग होते हैं और शस्त्र धारण किए हुए बहुत सैनिक होते हैं, तो सब निमाई पंडित के विवाह में इसी प्रकार से हुआ था। शस्त्रधारी सैनिक चल रहे हैं उनके साथ में है ना, और कितने गवैये थे, कितने नर्तक थे, उसका बहुत वर्णन हुआ है। और जो पान है और तांबूल और बहुत चीज़ें
जो भेंट की गई वहाँ की स्त्रियों को, जो भेंट की गई ब्राह्मणों को दिया गया, जो भेंट दिया गया, तो उसका जब इतना ज़्यादा मात्रा में भेंट दिया गया था, ब्राह्मणों को दान दिया गया था, कि जो गिरा था, आप सोचिए, जो गिरा था जमीन में, तो उस इतना अधिक गिरा था, आप सोचिए, लेने देने में गिरता तो बहुत थोड़ा है, लेने देने में गिरता बहुत थोड़ा है, लेकिन जो गिरा था तो उससे भी जो है 5 विवाह अच्छी प्रकार से हो सकते थे। अरे वो सोचिए, इसका मतलब कितना अधिक ब्राह्मणों को दान दिया गया था, कितना जो है वहाँ की स्त्रियों को भेंट दी गई थी, इसका जो है तो जमींदार बुद्धिमंत खान ने विष्णुप्रिया श्रीमाई श्री निमाई के विवाहोत्सव का संपूर्ण खर्चा लगाया। नवदीप और निकटवर्ती गांवों के सब निवासी को बुलाया गया था, सबको बुलाया था, है ना। समारोह के समय इन दोनों का जो दर्शन, जोड़ी दिव्य जुगल विष्णुप्रिया और निमाई का दर्शन लोग देख रहे थे तो आंखें बंद नहीं हो रही थी, किसी की पलक बंद नहीं हो रही थी, इतना जो है सुंदर था विष्णुप्रिया निमाई का जो रूप है, वो जैसे मानो आँखों से वो समेट लेंगे, आँखों से पी लेंगे सौंदर्य निमाई और विष्णुप्रिया का, ऐसा सौंदर्य है। ब्राह्मणों ने चारों ओर से घेरा बना करके वेद मंत्रों का उच्चारण किया और चारों तरफ हर्ष की हिलोरने और मरने लगे। विवाह उत्सव के अलावा वृंदावन दास ठाकुर ने विष्णुप्रिया की लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं किया, है ना। भगवान चैतन्य जब शांतिपुर में आए तो नवदीप से भी सबको बुलाया गया, लेकिन विष्णुप्रिया को नहीं बुलाया गया। भगवान जो है इतने पक्के सन्यासी, इतने कठोर सन्यासी थे, सन्यासी के इतने कठोर नियमों का पालन करते थे कि विष्णुप्रिया को जो है नहीं बुलाया। बाकी सबको बोला, माता के प्रति बहुत स्नेह प्रकट किया कि माता मैं तुम्हें नहीं त्याग सकता हूँ, और नवदीप वासियों को भी, मैं तुम लोगों को नहीं त्याग सकता हूँ, कैसे हम लोगों का हमेशा मिलना जुलना होता रहेगा, तो मैं जगन्नाथपुरी में रहूँगा तो आप लोग आते रहिए, हैं, और कभी मैं अगर आऊँगा तो शांतिपुर में आ सकता हूँ, तुम आप लोग मुझसे मिल सकते हो। ये विष्णुप्रिया देवी के संबंध में बिल्कुल कठोर, है ना, संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति ही परायणा। तो भगवान चैतन्य जो है आदर्श सन्यासी थे, इतने कठोर सन्यासी थे कि वो उनके आदर्श के कारण ही फिर भक्तों की जो है सन्यास की रक्षा होती है, है ना। तो विष्णुप्रिया देवी के संबंध में जो है एक बात ये बताई जाती है कि भगवान चैतन्य जब चले गए, भगवान चैतन्य ने सन्यास लिया, फिर सन्यास लेने के बाद भी इस धाम को छोड़ के चले गए, तो विष्णुप्रिया फिर भी घर में रहीं, और जब विष्णुप्रिया घर में रहीं तो बिल्कुल दुर्बल हो गई, क्योंकि उनका जो है बहुत कठिन नियम था, बड़ा कठोर नियम था, है ना। क्या करती थी, दिन में घर का काम भी काफ़ी उनका होता था, घर का काम तो होता ही था, और फिर जितना समय मिलता था तो हरे के मंत्र का जाप करती थी, तो माला पर जप नहीं करती थी, वो चावल के दाने उठाती, एक हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे तो चावल का एक दाना उठा के रख दिया, तो दिन भर में जितना भी जाप हुआ, जितने बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप हुआ, उतने चावल के दाने शाम को वो जो है बनाती थी और उसमें से भी कुछ हिस्सा लेती थी। सोचिए उनका भोजन कितना कम था, है? तो हरे कृष्ण मंत्र के, अगर मान लीजिए उन्होंने 64 माला किया, है ना, अगर 64 माला किया तो 9600 कुछ इतने ही मतलब वो मंत्र होते हैं कि अगर कर पाएंगे, इतने दाने को अब कितना होगा, वो 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, कितना होगा चावल वो देख सकते हैं, 9000 और 10000 के बीच में चावल के दाने होते हैं, इतने ही जो है चावल के दाने वो जो है केवल बनाती थी। सायंकाल में फिर इन दानों को पकाती थी और महाप्रभु के अपने विग्रह को अर्पण करती थी। महाप्रभु ने उनको स्वप्न में आदेश दिया था कि उनके घर में जो नीम का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे भगवान ने जन्म लिया था, तो उसी की लकड़ी से उनका जो है विग्रह बनाया जाए। तो विष्णुप्रिया देवी ने भगवान के स्वप्न आदेश के अनुसार उसी नीम के पेड़ की लकड़ी से
चैतन्य महाप्रभु का विग्रह बनाया, उसी विग्रह को अर्पित कर दी थी चावल, और फिर जो है इतना चावल ग्रहण करती थी, है ना। तो ये जो आकर्षक अर्चा विग्रह है वो धामेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है, धामेश्वर महाप्रभु, है ना। श्री श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव होती थी महामहोत्सव की। अब हम सुनेंगे रघुनंदन ठाकुर के बारे में। आज रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव है, है ना। तो रघुनंदन ठाकुर मुकुंद दास के पुत्र थे। मुकुंद दास चिकित्सक थे, और चिकित्सक होने के कारण उनके लिए बड़ा बंधन होता है, चिकित्सक के लिए बड़ा बंधन होता है, डॉक्टरों को बड़ा बंधन होता है। कोई मरीज किसी समय अगर कष्ट में है या मृत्यु के निकट है, गंभीर हालत में है, तो तुरंत फोन आता है डॉक्टर को, तुरंत आइए, आधी रात में कभी भी फोन आए, है ना। तो चिकित्सक के लिए जो है कभी भी बुलाव आ सकता है कि जल्दी आओ, वो कुछ भी काम करे, अपना सब काम छोड़ के। तो मुकुंद दास चिकित्सक थे, तो चिकित्सक होने के कारण उनको जो है अचानक बुलावा आया, किसी रोगी को देखने के लिए बुलावा आया। तो रघुनंदन अपने छोटे पुत्र को उन्होंने जल्दी से आदेश दिया, जल्दी जल्दी में भागे, भागते हुए जल्दी जल्दी अपने पुत्र को क्या बोला कि हमारे घर के जो गोपीनाथ जी हैं उनको राजभोग अर्पण कर देना, राजभोग अर्पण कर देना। राजभोग होता है ना, तो कई आइटम होते हैं, कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो राजभोग अर्पण कर देना, है ना। अब जल्दी जल्दी में और ज़्यादा समझा नहीं सकते थे, तो बोले राजभोग अर्पण कर देना। तो अब रघुनंदन के ऊपर भार आ गया है कि गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करना है। तो गोपीनाथ छोटा बालक जो है वो जानता भी नहीं था कि भगवान खाते नहीं हैं और उनको जो है मंत्रों के द्वारा ही खिलाया जाता है, तो वो मंत्र भी नहीं जानता था, भोग का मंत्र भी नहीं जानता था, है ना। तो उसने क्या किया, बड़ी सावधानी पूर्वक भोजन अर्पण किया। तो पिता की आज्ञा से क्या था कि निश्चित रूप से गोपीनाथ जी को कराना है, भोग लगाना है, भोग है, भोग लगाना है। तो घंटी बजाते हुए वो मंत्र क्या बोल रहा था, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। वो यही मंत्र जानता था कि भोजन खा लो, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो, घंटी बजाता हुआ बोल रहा है, हैं। और जब देखा कि वो तो जो है छू भी नहीं रहे हैं, खाने की तो बात दूर है, छू भी नहीं रहे हैं, तो रोने लगा बालक, रोने लगा। और बच्चे का जो रोना है वही हथियार होता है, बच्चा जो रोता है उसका वही हथियार होता है, है ना। तो रोने लगा, हैं, हाँ, कि आप जो है रोज खाते हो, मेरे से नहीं खा रहे हो, तो मैं आपको खिला नहीं सकता, मेरे अंदर प्रेम नहीं है कि आप को मैं खिला पाऊँ, लेकिन आप खा लो, मेरे अंदर प्रेम नहीं तो भी आप खा लो, है। और रोने लगा बालक, रोने लगा। तो उस बालक की भक्ति के समक्ष भगवान गोपीनाथ का हठ जो है नहीं चला है, भगवान गोपीनाथ का भी हठ है, अपनी जिद है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो देख करके ही खाऊंगा। तो भगवान देख करके भी खा लेते हैं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंति, है कि भगवान के सभी अंग सभी इंद्रियों का कार्य करते हैं, तो देख करके भी भगवान खा सकते हैं, है ना। तो भगवान की भी जिद है कि वे देख करके ही खाएंगे, हाथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे की जिद, बाल हठ, है, बाल हठ जो है इतना प्रबल है कि भगवान का हठ उसमें कमजोर पड़ गया, और भगवान को अपना हठ छोड़ना पड़ा बाल हठ के सामने, है। और क्या हुआ कि भगवान ने जो है थाली में सब कुछ खा लिया और कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। तो बच्चे का जिद थी कि आप पूरा खाओ, पूरा खाओ, सब खाओ। उसको ये भी नहीं पता था कि भगवान जो है फिर बाद में प्रसाद भी होता है, तो प्रसाद बांटा जाता है, उसको ये भी पता नहीं था। तो भगवान ने सब खा लिया। अब मुकुंद लौटे तो गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा, है कि महाप्रसाद कहाँ है। तो महाप्रसाद क्या, सब खिला दिया, भोग लग गया, भोग लग गया, है। तो मुकुंद बड़े विस्मित हुए, है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ निर्णय कर लें, गलत निर्णय कर लें, कि वैष्णव भक्त जो है बड़े धैर्यवान होते हैं, बड़े धैर्यवान, एकदम से कुछ उल्टा सोच लें ऐसा नहीं है। तो उन्होंने सोचा, कुछ तो संदेह हुआ कि खुद खा लिया,
लेकिन दूसरा विचार ये भी आया कि बिल्कुल सरल बालक है तो फिर भगवान ने खा लिया, हो सकता है भगवान ने खा लिया, तो संदेह फिर भी बना रहा कुछ है? तो फिर दूसरी बार उन्होंने हाँ परीक्षा ली। तो क्या परीक्षा ली कि एक लड्डू जो है दिया कि चलो अब ये लड्डू जो है भगवान को भोग लगाओ, गोपीनाथ जो भोग लगाओ, हाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन गए नहीं, गए और चुपके से लौट करके आ गए और छिप करके देखने लगे, छिप करके देखने लगे कि कैसे भगवान खाते हैं या खुद खाता है क्या है, हाँ? तो देखा, हाँ? तो क्या देखा कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू खाया है और आधा छोड़ दिया। आधा क्यों छोड़ दिया? एक कारण तो यह था कि पहले से पूरे फुल हो चुके हैं गोपीनाथ जी, और दूसरा कारण यह था कि फिर पिता जो है इसका पिता महाप्रसाद मांगेगा, है ना। तो फिर मुकुंद जो है गदगद कंठ हो गया उनका, अपने पुत्र रघुनंदन को उन्होंने हृदय से लगा लिया और खूब रोते रहे, प्रेम में बहुत रोते रहे। और बाद में जगन्नाथपुरी जब गए गौरांग महाप्रभु के सामने, तो भगवान चैतन्य तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो भगवान चैतन्य जो है हंस करके पूछते हैं कि तुम दोनों में से पिता कौन है और पितृ कौन, पुत्र कौन है? देखने में तो पिता पुत्र में बड़ा अंतर होता है। चैतन्य महाप्रभु हंस कर बोले तुम दोनों में कौन पिता है, कौन पुत्र है? तो मुकुंद ने उत्तर दिया कि यही मेरा पिता है, रघुनंदन ही मेरा पिता है, है ना, क्योंकि इसी ने जो है मुझे वो दिखलाया जो कि मैं किसी जन्म में नहीं देख पाता है, ऐसी कृष्ण की भक्ति दिखलाई है। तो रघुनंदन जो है ब्रज लीला में कंदर्प मंजरी है, कौन है? कंदर्प मंजरी के अवतार हैं। चलो रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। चलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंध में हम सुनेंगे, इनका जो जीवन चरित्र है बहुत विस्तृत है, तो हम इनके बारे में भी कुछ संक्षेप में सुनेंगे। इनका जन्म हुआ था वैष्णव परिवार में और धनी परिवार में, वैष्णव परिवार धनी परिवार, है ना। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं है? क्या कहते हैं, सुची नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे। कोई जिसने पिछले जन्म में कुछ भक्ति योग का उपाय किया है और सफल नहीं हो पाया, तो पवित्र घर में और धनी घर में जन्म लेता है। सुची नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा और दुर्लभतर जन्म क्या है कि योगियों के परिवार, शुद्ध वैष्णवों के परिवार में ही वो जन्म लेता है, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो जन्म है वो बहुत जो है ऊंचे बहुत धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था, और वो उनके पिता भी जो है वैष्णव थे। पिता थे गोवर्धन मजुमदार, और गोवर्धन मजुमदार के बड़े भाई थे हिरण्य मजुमदार। तो दोनों भाई जो है बहुत सम्मानित थे, मुस्लिम शासन में इनको मजुमदार की उपाधि मिली थी। तो मजुमदार की उपाधि जो है बड़ी सम्मानित होती है, बहुत सम्मानित थे मुस्लिम शासन के समय। तो रघुनाथ दास जो है बाल्यावस्था में ही हरिदास ठाकुर का उनको संग प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और 15 वर्ष साल की अवस्था में भगवान चैतन्य से इनका मिलन हुआ था, और कुछ वर्षों के बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से इन्होंने परिवार का त्याग कर दिया। तो बहुत विस्तृत वर्णन आता है कि पहले शांतिपुर में रघुनाथ दास चैतन्य महापुरुष से मिले थे। चैतन्य महापुरुष संन्यास लेने के बाद जब अद्वैत आचार्य के घर में आए थे उस समय, और चैतन्य महाप्रभु ने इनको उस समय कठोरता पूर्वक आदेश दिया कि नहीं ऐसा दिखावा मत करो, ऐसा दिखावा मत करो, तुम छोड़ना चाहते हो अपना घर और मेरे पास आना चाहते हो, नहीं ऐसा दिखावा मत करो। भगवान चैतन्य ने कहा कि तुम्हें इस समय कैसा करना चाहिए, दूसरे प्रकार का दिखावा करना चाहिए, दूसरे प्रकार का दिखावा करना चाहिए, कैसा कि तुम अपने घर में पूरी तरह से व्यस्त रहो, लगे रहो अपने घर के काम में, अपने व्यापार के काम में लगे रहो, और अंदर ही अंदर तुम कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण के बारे में सोचो। और भगवान ने एक उदाहरण दिया कि कैसे कोई स्त्री है, तो निंदा की बात है कोई स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हो, अपने घर की सेवा में लगी हो, लेकिन वो पराये पुरुष का चिंतन करती है,
तो दिखावा करती है कि वो अपने घर के काम में पूरी तरह लगी है, है? लेकिन दूसरे पुरुष का चिंतन करती है अपने अंदर। तो इसी प्रकार से है? तुम्हें रघुनाथ दास को चैतन्य ने जो है आदेश दिया कि तुम्हें कृष्ण के बारे में का चिंतन करना चाहिए, लेकिन घर के और व्यापार के काम में तुम लगे रहो। तो रघुनाथ दास जो है एक साल तक खूब अच्छी तरह से घर का और व्यापार का वो काम कर दे रहे। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा, कब तक चलेगा? आगे आगे चल करके फिर क्या हुआ कि घर छोड़ करके वो भागने लगे, है ना, घर छोड़ के भागने लगे, क्योंकि जो इनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो आसक्ति थी वो एक साल में बढ़ती ही गई, है? तो वो जो दिखावा है वो भी अब नहीं कर सकते। अब कहाँ तक दिखावा करें, दिखावा नहीं कर सकते। अब तो जो है वो हमेशा भागने लगे, है ना। लेकिन फिर पानीहाटी में जब भगवान चैतन्य भगवान नित्यानंद आए, है? और इन्होंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, और नित्यानंद प्रभु ने इनसे जो दही चीड़ा का उत्सव कराया, तो बहुत बड़ा उत्सव, उसका बहुत वर्णन आता है, और साल में एक बार वो भी दिन आता है पानीहाटी दीधा चढ़ी दही चीड़ा महोत्सव का, है ना। तो उसका बहुत वर्णन है। और नित्यानंद प्रभु ने जो है फिर सब वैष्णवों से आशीर्वाद दिलवाया रघुनाथ को, है? कि रघुनाथ को जो है चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हो। नित्यानंद प्रभु ने इनको जो है ये भी कहा कि तुम चोर हो, तुम चोरी, तुमने चोरी की है, तुम्हें चोरी का दंड दिया जाए। अब चोर किस कारण से कहा कि नित्यानंद प्रभु की धन संपत्ति है चैतन्य महाप्रभु चरण, और चैतन्य महाप्रभु चरणों को कोई पाना चाहता है नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना, तो नित्यानंद प्रभु की दृष्टि में वो चोर। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी दृष्टि में चोर हो, है? और पा भी नहीं पाए, चैतन्य के चरण भी नहीं प्राप्त है, चोरी में सफल भी नहीं हुए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इसका चोरी का दंड है, तुम्हें देना पड़ेगा। और क्या, दही चीड़ा महोत्सव, सब वैष्णवों को दही चीड़ा का भोजन कराओ, है ना। और फिर जो है वो चोरी के अपराध से मुक्त हुए, और नित्यानंद प्रभु ने फिर आशीर्वाद दिया अब तुमको जल्दी ही चैतन्य के चरणों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इनको श्री चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हुई। जीवन पर्यंत इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं खाया, जीवन निर्वाह हेतु नाम मात्र को भोजन करते थे, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु लीला समाप्त करके चले गए अपने धाम, तो ये फल और दूध केवल ग्रहण करते थे। फिर सनातन गोस्वामी भी जब चले गए तो एक दिन में या दो दिन में एक बार एक दोना छाछ ग्रहण करते थे, एक दोना छाछ। एक दोना में कितना आएगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम छाछ, है ना। तो और जब रूप गोस्वामी भी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए तो फिर वो भी त्याग दिया, वो भी बंद कर दिया इन्होंने, है ना। तो इस प्रकार से जो है बहुत जर्जर अवस्था हो गई इनकी, है ना। तो इनका जो है बहुत चरित्र है, राधा कुंड का कैसे निर्माण हुआ, राधा कुंड का कैसे निर्माण हुआ, श्याम कुंड का कैसे निर्माण हुआ, बहुत इसमें घटनाएं हैं। तो इनका जो है अब वर्णन तो नहीं हो सकता, इतना समय नहीं है, तो हम इनका जो है विशेष रूप से स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनकी कृपा का एक बिंदु हमें प्राप्त हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब हैं पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि का भी आज आविर्भाव दिवस है। तो जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर से जब मिले, तो बहुत समय के बाद जब मिले थे, तो आनंदपूर्ण मैत्री भाव में पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर एक दूसरे के चरणों की धूल लेना चाहते थे, तो इसमें भी कुश्ती हो गई दोनों की, है ना। तो सामान्य कुश्ती होती है तो एक दूसरे के पैर को पकड़ के गिराने की कोशिश की जाती है, साधारण कुश्ती होती है इसमें एक दूसरे के पैर को पकड़ के गिराने की कोशिश की जाती है, नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, हैं? और ये जो वैष्णवों की कुश्ती होती है इसमें क्या होता है, एक दूसरे के पैरों की धूल लेने की कोशिश की जाती है। तो दोनों एक दूसरे अपने पैर की धूल नहीं देना चाहते हैं तो अपने पैर को दूर करते हैं, और वो जो है क्या है, तो इस कुश्ती में जितने भी वैष्णव दर्शक थे वो जो है आनंद ले रहे थे, इस कुश्ती का भी आनंद ले रहे थे, और दोनों बलिष्ठ थे, दोनों बलवान थे,
दोनों एक दूसरे के पैर की धूल लेना चाहते हैं और अपने पैर की धूल नहीं देना चाहते हैं, है ना। जिस प्रकार से दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पैर की धूल नहीं ले पाए, है ना, तो अपने पांव बचाते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करने का प्रयास करते कर रहे थे, उनके बीच छीना झपटी होने लगी। चूंकि दोनों ही बलवान थे तो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु श्री गौरांग ने उनकी इस क्रीड़ा का आनंद उठाया और सब लोग जो है खिलखिला करके हंस रहे थे। तो वैष्णव का ये भी एक आनंद होता है। पुंडरीक विद्यानिधि के अन्य नाम भी हैं, विद्यानिधि, आचार्य निधि, भक्ति निधि, प्रेम निधि, इनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही समस्त जगत निर्मल हो जाता है। हरि बोल। श्री गौर गौरांग महाप्रभु का कहना है कि प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को अधिक क्रंदन करने पर विवश कर देती थी और वे पुकार उठते हैं, बाप पुंडरीक बाप, ऐसे रोते थे, पुंडरीक बाप पुंडरीक बाप। और वास्तव में क्या है, अगर राधा रानी के भाव में है चैतन्य महाप्रभु, तो राधा रानी ब्रज लीला में जो राधा रानी थी उनके पिता थे ब्रजभानु, तो ब्रजभानु के अवतार है पुंडरीक विद्यानिधि, ये ब्रजभानु के अवतार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अगर राधा भाव में है तो पुंडरीक विद्यानिधि को अपना बाप कहते हैं, पुंडरीक बाप, इस प्रकार से इनका जो है सम्मान होता था पुंडरीक विद्यानिधि का। शिला पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो क्या हो गया, हमने क्या क्या कर दिया है, हाँ पांच हो गए ना। अब वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा, तो हम इनके संबंध में कुछ सुनेंगे। वसंत पंचमी ये जो है भावी वसंत का सूचक है। वसंत ऋतु आती है चैत्र और बैसाख, ये दो महीने, चैत्र हाँ और बैसाख, ये दो महीने में आते हैं। और आज जो है वो माघ शुक्ल पंचमी है, माघ शुक्ल पंचमी, तो इसके अंदर 40 दिन के बाद बसंत ऋतु आएगी। 40 दिन के बाद बसंत ऋतु आएगी, तो 40 दिन पहले ही ये जो है सूचना दे रहा है आज का दिन, क्या कि बसंत ऋतु आ रही है। तो बसंत ऋतु का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ऋतु नाम कुसुमा करा, विभूति है बसंत ऋतु। छह ऋतु हैं साल में, छह ऋतुएं आती हैं, उनमें सबसे पहली ऋतु बसंत है और सबसे श्रेष्ठ है भगवान की विभूति है कुसुमाकर है, कुसुमाकर। तो बैकुंठ में बसंत ऋतु ही रहती है हमेशा, और कोई ऋतु नहीं रहती, बैकुंठ में बसंत ऋतु ही रहती है। बसंत ऋतु में क्या होते हैं, सब प्रकार के फूल खिलते हैं, है ना, और इस ऋतु में ना गर्मी होती है ना जाड़ा, है किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। तो बसंत ऋतु जो है, चूँकि वैकुंठ की ऋतु है, तो जैसे कोई राजा साहब आते हैं तो काफ़ी पहले से ही सूचना मिल जाती है पब्लिक को कि भाई राजा साहब आ रहे हैं, हैं आप सब लोग स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। तो इसी प्रकार से 40 दिन पहले से ही बसंत पंचमी का जो दिन है ये बसंत ऋतु के शुभ आगमन की सूचना दे रहा है, जैसे हलकारा है राजा के आगमन की सूचना देता है। तो बसंत पंचमी के दिन जो एक विशेष लीला हुई भगवान श्री कृष्ण की ब्रज में, तो उसको मैं सुना रहा हूँ पढ़ करके। नारद जी सुना रहे हैं गर्ग संहिता में, ये कथा नारद जी सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, राजा बहुलाश्व, मिथिला के राजा बहुलाश्व थे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के समय में मिथिला के राजा बहुलाश्व थे, और श्री राम के समय में मिथिला के राजा कौन थे, जनक तो सभी हैं, शिरध्वज, शिरध्वज नाम के जनक थे, है ना। तो उन्हीं की ही जो है वंश परंपरा में जो है आगे चल करके श्री कृष्ण के समय में ये राजा बहुलाश्व हुए। तो बहुलाश्व को सुना रहे हैं नारद जी और बताते हैं कि ब्रज में छह ब्रजभानु थे। कितने थे, छह। राधा रानी के पिता ब्रजभानु नहीं है, राधा रानी के पिता हैं ब्रजभानु वर। ब्रजभानु वर उसे कहते हैं जिसके पास 50,000 गौवें हों, 50 लाख नहीं, हाँ 50 लाख गौवें हों, उसे ब्रजभानु वर कहते हैं। और ब्रजभानु किसे कहते हैं, जिसके पास 10 लाख गौवें हों, उसे ब्रजभानु कहते हैं, है ना। उसी वजह से नंदराज कृष्ण के पिता हैं, नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौवें हों,
और जो नंद हैं, नौ नंद थे ब्रज में, नंद उसे कहते हैं जिसके पास 9 लाख गौएं हों। हम लोग तो सोचते हैं कृष्ण के पिता नंद महाराज के पास 9 लाख गौएं थी, यही बोलते हैं, नहीं नहीं, कृष्ण के पिता नंदराज के पास 1 करोड़ गौएं थी, नंदराज हैं और 9 नंद हैं, नंद का मतलब है जिसके पास 9 लाख गौएं हों, है ना। इसी प्रकार वृषभानु का मतलब है जिसके पास 10 लाख गौएं हों, और ऐसे कितने वृषभानु थे, 6, कितने थे, 6, और वृषभानुवर एक थे जिनके पास कितनी गौएं थी, 50 लाख, 50 लाख गौएं थी, है ना। तो 6 वृषभानु के घर में जो है कई प्रकार की स्त्रियां जो है जन्मी हैं। इनके घरों में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियां उत्पन्न हुई उनमें से कुछ रमा वैकुंठ की देवियां थीं, कुछ देवियां थीं समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की सखियां, अजित पद वासिनी स्त्रियां भी, ऊर्ध वैकुंठ निवासिनी देवियां थीं, लोकाचल निवासिनी गोपियां थीं, और भगवान के चरणों का हमेशा चिंतन करती हैं और माघ महीने का व्रत कर रही थी। जैसे कार्तिक का व्रत होता है, माघ का भी व्रत होता है, माघ महीने का व्रत करती थी। तो माघ महीने का व्रत करती थी तो आज के दिन उनका व्रत पूरा हो गया। माघ महीना अभी भी 10 दिन बाकी है, माघ महीने के 10 दिन बाकी है, लेकिन 20 दिन में ही उनको क्या हो गया, फल प्राप्त हो गया, भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। तो आज के दिन माघ शुक्ल पंचमी को प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण घर के निकट आए, तो उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान तो परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षित के परीक्षित जो होता है, परीक्षित का मतलब जो परीक्षार्थी है जिसकी परीक्षा ली जाती है, तो उसके सामने क्या होता है, कुछ समस्याएं होती हैं, समस्याएं दी जाती कि उसको जो है मतलब हल करना है, समस्याओं को हल करना है। तो भगवान जो है दूसरे रूप में प्रकट हुए, दूसरे रूप में प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए, जटा का मुकुट बांधे और पूरे शरीर में विभूति रमाए, योगी के वेश में और बंसी बजा रहे। केवल बंसी है जो कृष्ण का चिन्ह है, बंसी बजाते हैं, बाकी सब कृष्ण का कोई चिन्ह नहीं है, है ना। तो गलियों में सुभागमन देख करके मोहित हुई, बेहवल हुई गोपांगनाएं तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आई, तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आई, और सुंदर योगी को देखकर प्रेम आनंद में डूबी हुई सब गोप कन्याएं आपस में कहने लगी। अब आपस में क्या कहने हैं, ये कौन बालक है, क्या कहते हैं, ये कौन बालक है, आकृति नंद नंदन से ठीक ठीक मिलती है, या तो धनी राजा का पुत्र होगा, बहुत बड़े धनी राजा का पुत्र होगा, अपने स्त्री के कठोर वचनों से घर छोड़ के आ गया, योगी हो गया, स्त्री ने कठोर बात बोल दी होगी, विचार कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुकुमार शरीर है, कामदेव के समान संपूर्ण विश्व का मन मोहता है, इसकी माता कैसे जीवित होगी, चिंता हो गई, इसकी माता कैसे जीवित होगी, अपना घर छोड़ दिया, इसकी माता कैसे जीवित होगी, इसके पिता, इसकी पत्नी, इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित रहेंगे, ये चिंता हो गई। घर छोड़ के योगी बन गया है, कैसे जीवित रहेंगे। अतीव रम्या सुकुमार देहो मनोजवन विश्व मनोहरम अहो कथम जीवति चास्य माता पिता च भार्या भगिनी विनयनम। ये विचार कर सब ओर से झुंड की झुंड बिजांगनाएं इनके पास आ गईं, प्रेम से बेहबल योगी स्वर से पूछने लगी, योगी तुम्हारा नाम क्या है, पूछती है, योगी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारी वृत्ति क्या है और कौन सी सिद्धि पाई है। चार प्रश्न पूछे, पहला प्रश्न क्या है, नाम क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, कहाँ रहते हो, तीसरा प्रश्न क्या है, तुम्हारी वृत्ति क्या है, और चौथा प्रश्न क्या है, कौन सी सिद्धि पाई है। चार प्रश्न किए। तो सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूं। अब कहां रहते हो, मान सरोवर में निवास करता हूं।
मान सरोवर में निवास करता हूं और नाम है स्वयं प्रकाश, मेरा नाम है स्वयं प्रकाश, और अपनी शक्ति से बिना खाए पिए रहता हूं, अपनी शक्ति से बिना खाए पिए रहता हूं। परमहंसों का जो आत्म साक्षात्कार है उसके लिए मैं जा रहा हूं। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब पूछा कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता हूं, और मंत्र विद्या के द्वारा उच्चाटन कर सकता हूं, मारण मोहन स्तंभन वशीकरण सब विद्याएं जानता हूं। तो गोपियों ने कहा, हाँ योगी तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात हैं तो बताओ हमारे मन में क्या है। गोपियां क्या पूछती हैं, अगर तुम्हारे पास सब सिद्धियां हैं तो हमारे मन में क्या है वो बताओ। तो भगवान कहते हैं, सिद्ध योगी ने कहा, ये बात तो आप लोगों के कान में कहने लायक है, ये बातें तो आपको आपके कान में कहने लायक है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने कह डालूं, कह दूं, ये बात तो कान में कहने लायक है, कह डालूं। गोपियां बोले, नहीं तुम सच में योगेश्वर हो, अपना पका हुआ। लज्जा की बात है, लज्जा की बात है, हैं कि इनका मन जो है कृष्ण में लगा हुआ है, तो लज्जा की बात है कि पराय पुरुष में किसी स्त्री का मन लगा हो तो बड़ी लज्जा की बात होती है। तो कहते अब मत कहो, कहते अब मत कहो, हाँ तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है इसमें संशय नहीं है, तुम्हारे वशीकरण मंत्र, अब अपना वशीकरण मंत्र का जो है सिद्धि दिखलाओ, अपने वशीकरण मंत्र की सिद्धि दिखलाओ। तो वशीकरण मंत्र के द्वारा तुम उनको बुला दो, किनको बुला दो, तुम तो जानते हो किनको बुला दो, हमारे मन में कौन बसे हैं, उनको बुला दो अपने वशीकरण मंत्र के द्वारा। तुम मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे वशीकरण मंत्र से अगर तत्काल आ जाएं जिनका हम मन ही मन चिंतन करते हैं, तब हम मानेंगे कि तुम, तुम्हारे पास असली विद्या है। यदि जानासि योगेश तुम वार्ताम काले त्रयोद्भवम किं वर्तते नो मनसि वदतरहि महामते। तो सिद्ध योगी ने कहा, हे ब्रजांगनाओं, तुमने तो ऐसी बात कही है जो परम दुर्लभ परम दुष्कर है। तुमने अब जो बात भी कही, तुम क्या चाहते हो, है ना, तो मैं समझता हूँ, तुम समझते हो, ना तुम बता पाते हो ना मैं बताऊँ, मैं बता सकता हूँ, परम दुष्कर है, परम दुर्लभ है, तथापि तुम्हारी मनोनीत वस्तु को प्रकट करूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही बात झूठ नहीं होती है। चिंता मत करो, अपनी आँखें मूंद लो, क्या करो, अपनी आँखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि बहुत अच्छा कि अगर गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तब भगवान श्री हरि योगी का रूप त्याग करके नंदनंदन के रूप में प्रकट हो गए। अरे वो वो किसको बुलाते हैं, वो स्वयं ही है। तो नंदन के रूप में प्रकट हो गए, गोपियों ने आंखें खुलकर देखा तो सामने नंदनंदन मुस्करा रहे हैं। तो पहले तो बड़ी विस्मित हुई, योगी का प्रभाव जानने पर बड़ा हर्ष हुआ, और प्रीतम का रूप देख करके मोहित हो गई। नेत्रान्वनील्य ददृशु सानंदम नंदनंदनम विस्मितास्तत्प्रभावज्ञा हर्षिता मोह मागता। तब माघ मास के महारास में वृंदावन के भीतर श्री हरि ने इन गोपांगनाओं के साथ विहार किया। तो माघ की शुक्ल पंचमी है, तो शुक्ल पंचमी को चंद्रमा की जो किरण है वो प्रारंभ हो जाती है, प्रकाश शुरू हो जाता है, तो बसंत पंचमी से भगवान ने फिर रास उनके साथ किया, करते रहे माघ पूर्णिमा तक भगवान ने रास किया, है ना। तो ये बसंत पंचमी का उत्सव है, श्री बसंत पंचमी महामहोत्सव की जय। अब सरस्वती पूजा है, तो हम वैष्णव लोग सरस्वती की पूजा तो नहीं करते, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, विद्या शक्ति है, तो भगवान की पूजा से उनकी अपने आप पूजा हो जाती है। फिर भी सरस्वती का कुछ है विशेष महात्म्य हम सुनेंगे कि गर्ग संहिता में ये वर्णन आता है कि नारद जी वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी को सुनाते हैं कि वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, मेरे प्रिय हैं,
और परम भागवत हैं, सदा मुझमें मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोगों का दर्शन करते हुए नारद जी जो है इलावृत खंड में गए और उस स्थान में नर नारियों से भरा हुआ एक वेदनगर नाम का नगर है। कौन सा नगर है? वेदनगर, वेदनगर है। तो नारद जी ने उसको देखा तो वहाँ कितने लोग ऐसे थे जिनके पैर नहीं हैं, किसी के गुल्फ नहीं हैं, किसी की घुटने नहीं हैं, किसी की जंघा नहीं है, विकलांग हैं, किसी के पीठ के बीच में कूबर निकल आया, किसी के दांत गिर गए या ढीले हैं, किसी के कंधे ऊंचे हैं, मुंह झुका हुआ है, कितनों के गर्दन नहीं है। तो नारद जी ने स्त्रियों और पुरुषों को अंग भंग देखा। सबको देखकर मुनि ने कहा, क्या बात है, ये तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। आप लोगों के मुख तो कमल के समान सुंदर हैं, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं, लेकिन आप लोग देवता हैं या उपदेवता हैं? आप लोग जो है गीत भी गाते हैं तो बड़े सुंदर गीत भी गाते हैं, अंग भंग कैसे हो गए, ये बात मुझे शीघ्र बताइए। तो उन रागों ने कहा, ये सब राग थे, उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु ये सब उनसे कहना चाहिए जो हमारा दुख दूर कर सके। हम लोग राग हैं, वेदपुर में निवास करते हैं, हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद। वो नहीं जानते जिसको बता रहे हैं, है ना, जिसके बारे में बता रहे हैं वो वही है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र एक नारद हैं, वे महामणि प्रेम से बेसमय पद गाते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ताल स्वर से रहे गानों से हम अंग भंग हो गए हैं। उनकी बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरे द्वारा ही इतना अनर्थ हो रहा है। तो भगवत प्रेम में तो गाता हूँ मैं, लेकिन इनका तो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो नारद जी का गर्व गल गया और हंसते हुए बोले, हे रागो, शीघ्र बताओ नारद मुनि को किस प्रकार काल का और ताल का ज्ञान हो सकता है, कि किस समय कौन सा ताल गाना चाहिए। तो रागो ने कहा, साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्या सरस्वती देवी यदि नारद जी को संगीत की शिक्षा दें तो मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल में गाना चाहिए जान सकते हैं। उनकी बात सुनकर के नारद जी सरस्वती की कृपा पाने के लिए शुभ्रगिरी पर गए। कौन सा गिरी? शुभ्रगिरी पर गए, वहाँ 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। कितना? 100 दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष 360 वर्ष का होता है पृथ्वी, तो 100 दिव्य वर्ष कितना हुआ? 36,000। 360 में 100 का गुणा करो तो बहुत बड़ा काम है क्या? 360 में 100 का गुणा करो तो कोई बहुत बड़ा परिश्रम है क्या? 36,000 साल हुए। तो नारद जी ने पृथ्वी के 36,000 साल तक तपस्या की, अन्य जल छोड़ करके केवल सरस्वती का ध्यान किया। तो वो पर्वत जो है वो नारद जी के नाम से नारदगिरी नाम से प्रख्यात हो गया। पूरा पर्वत तपस्या से पवित्र हो गया और विष्णु प्रिया सरस्वती वहाँ पर आई और सरस्वती को देखा, उठ करके नमस्कार किया, परिक्रमा की और मस्तक झुकाया और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हैं, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति उगलने, हिलने वाले रत्नमय कर्ण फूल के यूर किरीट कंकण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो नूपुर से रंजित होती है, कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चरण वाली हैं, हंस पर विराजमान होती हैं और मुक्ता फलों के हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को प्रणाम करता हूँ, जो अपने दोनों निर्मल हाथों से क्रमशः वर अभय पुस्तक वीणा धारण करती हैं, चार भुजाएं हैं, तो इन चार चीज़ों को धारण करती हैं, उन सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण का संगीतज्ञ बन जाऊं। तो सरस्वती का ये जो स्तोत्र है वो सुन करके देवी सरस्वती ने नारद जी को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। तो भगवान की दी हुई वीणा जो सरस्वती को मिली थी वो नारद जी को दी। तो भागवत में तो नारद जी कहते हैं कि मुझको जो है भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है वीणा।
लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो भगवान के द्वारा सरस्वती को वीणा प्राप्त हुई थी और वो वीणा सरस्वती ने नारद जी को दी, है ना। तो भगवत प्रदत्त वो वीणा थी। और रागों का ज्ञान दिया, काल का ज्ञान दिया, स्वरों का ज्ञान दिया। 56 करोड़ भेद हैं, 56 करोड़ प्रकार के जो है भेद हैं रागों के। और फिर उनके और भी भेद हैं अंदर, उसके अंदर और भी भेद हैं। और नृत्य वादित्र इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। तो सरस्वती देवी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। तो भगवान कहते हैं कि हे राधे, नारद जी को रास मंडल के उपयुक्त अद्वितीय राग गायक बना करके देवी सरस्वती देवी वैकुंठ धाम को चलेंगी। तो नारद जी को जो है सरस्वती ने वो वीणा प्रदान की है। उस वीणा के द्वारा नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि जब मैं भगवान का गुणगान करता हूँ तो भगवान मेरे सामने साक्षात आ जाते हैं, जैसे बुलाए हुए हैं, बुलाए हुए जैसे आते हैं, है ना। तो नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन सरस्वती देवी ने 56 करोड़ राग और उनके फिर और भी कई भेद हैं वो सब दिए किस समय कौन से राग में गाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग भी कुछ ध्यान रखते हैं कि मंगल आरती किस समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय हम गुरुवष्टकम गाते हैं तो 2 स्वर में गाते हैं, और दिन में जब गाते हैं तो 2 स्वर में गाते हैं। तो कुछ उसी का विचार है जो हम लोग करते हैं। सरस्वती पूजा महामहोत्सव की जय। तो हमने 7 त्योहारों की चर्चा कर दी है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ कोई मंथन है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं, ठीक है। हाँ जी, इनको माइक दीजिए, हैंड माइक है उधर, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, चलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर आपने बताया। अभी एक चीज़ आपने बताया था कि हम लोग शक्ति तत्व का जो है तिरुभाव दिवस नहीं मनाते हैं, तो उसके बारे में जानना था। शक्ति तत्व का तिरुभाव दिवस नहीं मनाते? यस। इनका इनका प्रश्न है कि क्या कारण है शक्ति तत्व का तिरुभाव दिवस नहीं मनाते, विष्णु तत्व का भी तिरुभाव दिवस नहीं मनाते, विष्णु तत्व का और शक्ति तत्व का तिरुभाव दिवस नहीं मनाते। तो इसका एक कारण यही है कि उनका शरीर तो दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, तो अगर मानो शरीर छोड़ने की लीला भी करें तो भी हम नहीं मनाते, तो इसका कारण यही है। लेकिन हम जीव तत्व का तिरुभाव दिवस मनाते हैं, जीव तत्व का जो वैष्णव आचार्य हैं उनका हम तिरुभाव दिवस मनाते हैं। तो उसमें मतलब ये विचार है कि वो भौतिक शरीर त्याग करके वो आध्यात्मिक शरीर त्याग करते हैं और वैकुंठ में जाते हैं। तो वैष्णवों का जो तिरुभाव दिवस है ये हर्ष का भी विषय है और शोक का भी विषय है। इसमें हर्ष भी हम मनाते हैं कि वैष्णव आचार्य जो है वो भौतिक शरीर छोड़ करके भगवान के आध्यात्मिक धाम में गए, आध्यात्मिक शरीर उन्होंने प्राप्त किया, भगवान की साक्षात संगति में चले गए। तो हर्ष का भी ये विषय होता है और शोक का भी विषय होता है, जो कि हम गाते हैं तिरुभाव भजन कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है ना, कि हमारे बीच में नहीं रहे तो शोक की बात होती है। तो वैष्णव आचार्यों का तिरुभाव दिवस ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा मनाते हैं। आविर्भाव तिरुभाव दोनों मनाते हैं, लेकिन तिरुभाव का जो है विशेष उत्सव मनाया जाता है। लेकिन विष्णु तत्व का तिरुभाव नहीं मनाते और शक्ति तत्व का तिरुभाव नहीं मनाते, ठीक है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। विष्णु प्रिया देवी के संबंध में, विष्णुप्रिया देवी भगवान चैतन्य के विरह में बहुत दुर्बल हो गईं और उनका भोजन का क्या नियम था कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताइए, माइक देते हैं इनको, इनको माइक देते, चालू है ना? नहीं चालू? जितना नाम जप करते थे, एक माला किया तो एक माला में 108 मनके होते हैं, तो उस तरह से मतलब 64 माला करते थे, तो उनके हिसाब से जितना
मन के होता उसके हिसाब से वो चावल का दाना माला के अनुसार एक माला में एक चावल अलग कर देती है। वो राइस के दाने लेती थी, राइस के चावल के, जैसे एक मंत्र पूरा बोला वो रख दिया। हाँ, 16 नाम, 16 नाम का एक मंत्र में एक चावल अलग करती थी। हम लोग तो मन का खिसाते हैं ना, तो वो जो है चावल का एक ढेर ले लिया और एक चावल उठा के अपने पास रख लिया। इस तरह से एक मंत्र में एक चावल रख लिया। अब जितना भी मंत्र होगा, अब घर के भी कुछ काम होंगे तो कितना कर पाएंगे, अगर बहुत से बहुत 1,00,000 नाम कर पाएंगे, 64 माला कर पाएंगे, तो 64 माला में कितना दाना होता है आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 108 × 64 है ना, 108 × 64 तो 9,000 10,000 के बीच में आता है। इतने चावल, इतना जो है चावल, तो आप निकाल सकते कितना चावल होगा। मानो 10 ग्राम चावल आपने तोले, कितने चावल हुए, तो आप निकाल सकते हैं कि 10 ग्राम में इतने चावल होते हैं। इतने चावल 10 ग्राम में होते तो 10,000 चावल कितने ग्राम में होंगे, है ना, निकाल सकते हैं। तो उसका उसी को ही वो केवल भोग लगाएंगे। और वो महाप्रभु कौन से थे, महाप्रभु जो जिनको भोग लगाती थी, धामेश्वर महाप्रभु थे, उनको भोग लगाती थी, है ना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो गुरुवष्टकम हमें दिया है, तो उसका कोई विशेष नियम, कुछ विशेष शर्त है, और कितना बड़ा इसका लाभ है वो कौन बताएगा। हाँ, इनको दी, इनको मैं दी। प्रभु जी, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रयत्न करके और ऊंचे स्वर में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में ऊंचे स्वर में गुरुवष्टकम का पाठ करते हैं, तो हमें वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा मिलते हैं, वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। तो कितना बड़ा लाभ है, लेकिन शर्त है, शर्त है कि जो रोज ब्राह्म मुहूर्त में इसका पाठ करे ऊंचे स्वर में, है ना। तो इतनी बड़ी जो है मतलब इसमें बात है, भगवान जो है बंधे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस वचन से, भगवान बंधे हैं, इसमें से बहुत बड़ी रक्षा है कि कोई व्यक्ति मंगल आरती का नियम बनाए अगर। हाँ जी, इनको माइक दीजिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के आविर्भाव को हम क्यों नहीं मनाते हैं? भगवान बुद्ध का आविर्भाव हम नहीं मनाते हैं, है ना। तो उसमें कई कारण हैं, क्योंकि अगर हम भगवान के अवतारों का अगर आविर्भाव मनाएं, तो भगवान के इतने अवतार हैं कि आप जो है धूल के कणों की संख्या गिनने लगे, उनको नहीं गिन सकते। और भगवान का प्रत्येक अवतार दे रहे हैं, तो आपको एक दिन भी खाना नहीं मिलेगा। फिर दूसरा कारण ये भी है, भगवान बुद्ध का आविर्भाव हम नहीं मनाते, इसका कारण ये है कि भगवान बुद्ध ने वैष्णव सिद्धांत की स्थापना नहीं की, है? उन्होंने मतलब पशुओं की हिंसा को रोकने के लिए वेदों की निंदा की। उन्होंने कहा कि वेदों में अगर कहा गया है पशुओं की हिंसा, तो वेदों को हम नहीं मानते। तो भगवान स्वयं वेदों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन वो समय की आवश्यकता के अनुसार भगवान ये कार्य किया कि लोग वेदों की जो है आड़ में पशुओं की हिंसा करते थे, लेकिन वेद मंत्र जो है वो सही तरीके से ना पढ़ सकते हैं और ना पशु को जो है रक्षा होती है, पशु को तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो लोग जो है योग्य तो नहीं है, लेकिन वेद मंत्रों की आड़ में जो है वो पशुओं की हिंसा करते हैं, तो इस कारण से उन्होंने वेद की निंदा की, ठीक है ना। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न, ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया कि 4:10 से 4:58, तो ये सर्दी गर्मी फिक्स रहता है, इसमें भी जैसे सूरज निकलने। ब्रह्म मुहूर्त का जो है, देखिए ऐसा है कि ब्रह्म प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, ठीक है, और 24 घंटे में ये मुहूर्त जो है 30 मुहूर्त बीतते हैं, हर मुहूर्त का नाम भी है, तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त बीतते हैं, ठीक है ना, 48 मिनट के।
तो अगर आप इस तरह से आप देखें तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त बीतते हैं, तो फिर वो उसी प्रकार से चलेंगे समय के अनुसार, ठीक है ना। वैसे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है, तो इस तरह से भी माना जा सकता है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन अगर 30 मुहूर्त का अगर विचार करते हैं आप, ठीक है ना, 30 मुहूर्त का विचार करते हैं तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त बीतते हैं, उनके अलग नाम वो एक अभिजित मुहूर्त होता है, अभिजित मुहूर्त कितना होता है, ठीक है ना। तो चूंकि अलग अलग मुहूर्तों का नाम भी है और वो 30 बार बीतते भी हैं 24 घंटे में, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त का भी समय होगा। हाँ, अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में समय अलग अलग होता ही है, ठीक है ना। तो अब इस समय जो है 4:10 हुआ, लेकिन दूसरे स्थानों में 4:10 का मतलब समय अलग होगा, ठीक है ना। तो अपने अपने स्थानों के अनुसार जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है इस मंगल आरती करिए, ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने नियम बनाया 4:30, तो 4:30 उस स्थान के अनुसार 4:30 आप करिए। अब किसी स्थान में इस समय 4:30 है, इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, किसी जगह इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, इस समय वो करेंगे वो उस स्थान के अनुसार, ठीक है ना। धन्यवाद। अब हम लोग 6 गोस्वामियों की पुष्पांजलि करेंगे, तो सब लोग वहाँ पर आ जाएं पुष्पांजलि के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुष्पांजलि जो फूल है यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से फूल उठाएंगे राम दरबार के पास में, और वहां से फूल ना लें, जहाँ माताएं माला बना रही हैं वहां से फूल ना लें। और सब लोग मेरे पीछे बोले हैं आपके हाथ में जो पुष्पांजलि है वो 3 बार में डालना है। नमः ॐ अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते
इति सिद्धांतं सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत भ्रांतहारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमः भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्द नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौराविर्भाव भूमिस्त्व निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्मसे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांते राधा कांति नमोस्तुते जयतां सूरता पंगु मम नंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहना दिव्य बृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमन् रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमन् राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् दासदसारम्भे वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनर्गोपी गोपीनाथास्त्रियस्तु नः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। अब जो मंत्र पढ़ा जाएगा तीन बार पढ़ा जाएगा, तीन बार आपको पुष्पांजलि डालना है। वंदे रूप सनातना रघु श्री जीव गोपाल पुष्पांजलि समर्पयामि श्री सत्सद गोस्वामी वृंद की। सब लोग प्रणाम करें। वंदे रूप सनातना रघु वेद श्री जीव गोपाल पुष्पांजलि समर्पयामि श्री सत्संग वृंद की। सब लोग प्रणाम करें। वंदे रूप सनातना रघु वेद श्री जीव गोपाल पुष्पांजलि समर्पयामि श्री सद्गोस्वामी वृंद की। सब लोग प्रणाम करें। हरे कृष्णा। तो आप लोग जहाँ खड़े हैं, जहां जहां पुष्पांजलि गिरी है वहां से हट करके पुष्पांजलि समेटने में सहायता करें। संसार नलली धनुका त्रणाय कारण घन घन तू से कल्याण गुणर्ण वंश वंदे गुरु श्री चरणारविंद महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादे त्रैमाधि मन सोर से रोमांच कंप श्रोत रंग भाज वंदे गुरु श्री चरणारविंद ग्रहारा धन नित्यनयन श्रृंगार तन्मन विरम जनाद सभक्त चमयंजत होती वंदे गुरु श्री चरणारविंद जय हो। चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद स्वाधीन त्रिपं हरि भक्त संघ चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद स्वाधीन त्रिपं हरि भक्त संघ प्रवृत्ति भजता संभव वंदे गुरु श्री चरणारविंद श्री
राधिका माधव अपार माधुर्य लीला गुण रूप नंद क्षण स्वनलोलित वंदे गौर श्री चरणारविंद नितुंज यूनो गति के लिए सिद्धि भीर उत्तीर अनपेक्षणीय अतिवल्लभे गुरे श्री चरणारविंद साक्षरितन समस्त शास्त्री उक्तस्तथा सन्धि प्रियवत वंदे गुरु श्री चरणारविंद यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद मगति कौतोपी ध्यायन्तो वन्तस्य यशत्रसन्धि वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्द विष्णुपदाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी सुनवादी पाश्चात्यादेश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीदेवता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे जय हो जय हो जय हो जय हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री मध्यमान ग्रेस अभयचरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सिवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की नामाचार हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री गोपताई की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की श्री श्री सद्गोस्वामी वृंद की समवेत भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की श्रीमती विष्णु प्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की चक्रवर्ती ठाकुर पूर्व भाव तिथि महामहोत्सव की शिल पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की शिल रघुनाथ ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की शिल रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की गौर प्रेम नंदी